बी टाउन में जब होती है ग्लैमरस ग्लिट्जी पार्टीज तो वहां से निकलता है कई सारा बी टाउन बज। तो कुछ ऐसा ही हुआ रिसेंटली एक वेल नोन ब्रांड की पार्टी में, जहां आए बॉलीवुड के कई बड़े चेहरे। अब जितने बड़े चेहरे उतनी ही हॉट जूसी गॉसिप भी। तो आइए आपको बताते हैं इस पार्टी की सबसे बड़ी हाईलाइट, जो हमें दी रणबीर की क्लोज फ्रेंड्स दीपिका और नरगिस ने। दीपिका और नरगिस के बीच ऐसी बॉन्डिंग शायद ही किसी ने पहले देखी हो। इन दोनों एक्ट्रेसेस की क्लोजनेस को देखकर कोई नहीं कह सकता कि इनके बीच रणबीर को लेकर कोई भी इश्यू है। इस इवेंट में दीपिका थी, इस इवेंट में नरगिस थी, इस इवेंट में थे रणबीर कपूर भी। लेकिन जब दीपिका नरगिस से मिली तो शटरबॉक्स को मिला कुछ ऐसा सीन। दीपिका नरगिस और रणबीर का एक साथ आमना सामना तो हुआ, लेकिन अपने एक्स बो की लेटेस्ट को स्टार को देखकर दीपिका ने उन्हें इग्नोर नहीं किया, तो वहीं नरगिस भी नहीं चूकी टू फ्लैटर दीपिका। इस इवेंट में दीपिका के पहुंचने के तुरंत बाद एंट्री हुई नरगिस फाखरी की। वैसे इस इवेंट में थोड़ी देर बाद पहुंचे रणबीर भी, वेयरिंग अ स्टाइलिश ब्लैक सूट। रणबीर को जब पता चला कि दीपिका और नरगिस दोनों पहले से अंदर मौजूद हैं, तो सुनिए उन्होंने एक्साइटमेंट में क्या जवाब दिया। दीपिका भी अंदर है, नरगिस? अरे मैंने देखा नहीं, मैं जाके देखता हूं। तो जैसे ही रणबीर गए पार्टी के अंदर, वहां से निकल आया एक और स्कूप। इवेंट में मौजूद हमारे सोर्सेज से पता चला कि रणबीर, दीपिका और नरगिस पार्टी में भी रहे साथ साथ। यूं तो दीपिका इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस से ज्यादा जेल नहीं करती, लेकिन लगता है नरगिस से दोस्ती करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नरगिस के लिए दीपिका का ये अफेक्शन रणबीर कपूर की वजह से है या फिर रॉकस्टार में उनकी एक्टिंग की वजह से, ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि आजकल रणबीर से जुड़ी हर चीज दीपिका को बहुत इमोशनल कर देती है, चाहे वो रणबीर का बर्थडे हो। Well, for me, it was Ranbir's birthday. That's why I was there. It was Ranbir's birthday. That's why I was there. Ya unki film Rockstar. I think he's done really well in the film, and you know, I think half the success of the film is because of his performance. Ya phir Rockstar ki heroine Nargis. और लगता है दीपिका के इस जेस्चर को खूब अप्रिशिएट भी कर रहे हैं रणबीर। लिसन टू हाउ ईगर इज ही टू वर्क विद दीपिका सून। वैसे इंटरेस्टिंगली हमने ऐसी ही बॉन्डिंग स्पॉट की थी बॉम्बे टाइम्स की 17th एनिवर्सरी बैश में, जहां रणबीर ने भी दीपिका के काफी क्लोज फ्रेंड सिद्धार्थ मालिया को गले लगाने में देर नहीं की थी। खैर, ये तो बात हुई दीपिका, नरगिस और रणबीर की। इस पार्टी में हमें प्यार के एक और एंगल की झलक भी मिली। ये एंगल है इंडस्ट्री में होने वाली मैरिजेस का। कुछ सेलेब्स ने हंसकर अपनी शादी की बात को किया कंफर्म, तो किसी ने अपने भाईजान की शादी की बात को बबली किया कंफर्म। जी हाँ, जरा सुनिए कैसे सोहा है एक्साइटेड सैफ और करीना की शादी को लेकर। Come out and said that they want to get married in March. So I've never really been to my brother's wedding before, and I know it's a very important responsibility, and I'm sure there's going to be lots to do, and I think we're going to sit down from next week onwards and plan all of that. और वहीं जिनिलिया ने रितेश के साथ अपनी शादी की बात पर एक बड़ी सी मुस्कान दे दी और नो कॉमेंट्स कहकर चली गई। Well, जहाँ था इजहार तो वहीं था इनकार भी। As in the case of Abhay Deol and his girlfriend Preeti, मैरिज के क्वेश्चन को देखिए कैसे डॉज कर रहे हैं अभय। ठीक है अभय, अब कीजिए शादी करने का इंतजार। तब तक हम आपको दिखाते हैं इस पार्टी में आए हुए बाकी मेहमानों की एक झलक। यहाँ पर स्पॉट हुए मलाइका अरोरा खान, अर्जुन रामपाल, अनुराग कश्यप विद कल्की, नेहा धूपिया एंड प्राची देसाई। मगर इतने सारे मेहमानों के बीच नरगिस, दीपिका और रणबीर की दोस्ती की दास्तां बनी इस इवेंट की मेजर हाईलाइट। रुद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई।